हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ, चार ऑप्शन दिए हमें, चेक कर रहे हैं ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। वो क्या है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो सिमेट्रिक है। दिस इंप्लाइज ए डैश इज इक्वल टू ए हुआ, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब ए डैश ए के इक्वल होगा एंड बी डैश बी के इक्वल होगा। एंड ही इज आस्किंग अबाउट ए बी माइनस बी ए क्या होगा, चार ऑप्शन दिए, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो देखो हमें ये पता लगाना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ठीक, अब लेट इसको हमने मान लिया पी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज देते हैं, स्पीड है इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपने पहले वेरीफाई किया था एक क्वेश्चन में कि ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, माइनस प्लस में ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, पर ए बी डैश ए बी ट्रांसपोज प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए टू, वो अगर आपने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस में ऑर्डर चेंज होगा, सिंपल ए ट्रांसपोज का साइन दोनों के हेल्प कर देंगे, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज मीन्स ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए, यहाँ तक क्लियर, एनी डाउट। अब ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्लियर, एंड बी ए ट्रांसपोज मैथड क्लियर, मैं लिख दूं, सिंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फॉर्मूला है, प्रूफ भी करा हमने पहले। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे, इन प्लेस ऑफ ए डैश वी कैन राइट ए and in place of B dash we can write B, because A and B are symmetric, so B A minus A B, matrix में आप कभी अपनी मर्जी से order मत change कर देना, इसको आप A B नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा, because matrix multiplication is not commutative, इसको commutative property बोलते हैं, x y को y x लिख देना ये commutativity होती है, ये matrix follow नहीं करता है। नॉर्मल एलजेब्रा में यू कैन राइट एक्स वाई और वाई एक्स को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, टू इंटू वाई टाइम वाई टू, सही नहीं आता है, तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसमें आप कम्यूटेटिविटी यूज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या आप इसको पी ले सकते हैं, पी आपने किस कंज्यूम करा है, ए बी माइनस बी, इसको पी ले सकते हो क्या, नहीं। हाँ, पर अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा, उसको आगे लिख लेते हैं, ये नहीं लिखा हुआ, ये वाला लिखा हुआ, ये माइनस का हो जाएगा, इसको बाद में लिख दो, अब ये चीज क्या है, पी, तो माइनस, तो सिंस पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी, देयरफॉर पी पी दैट इज पी, हमने एज्यूम क्या किया, ए बी माइनस बी, क्योंकि पी डैश माइनस पी के इक्वल है, पी इसकी सिमेट्रिक हो, पी यानी कि पी है क्या, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, समझ में आया,